मुंबई के अंधेरी इलाके के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुंबई हॉस्पिटल में लगी आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि ये लापरवाही का नतीजा था। 15 दिन पहले हॉस्पिटल फायर सेफ्टी टेस्ट में फेल रहा था। मामला यही नहीं थमता, एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मुंबई फायर ब्रिगेड के पास सभी बिल्डिंग के मैंडेटरी फायर ऑडिट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं है। चलिए वैष्णवी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप इस वक्त ईएसआईसी कामनगर हॉस्पिटल में हैं, वहां पर क्या स्थिति है? नंबर ऑफ कैजुअलिटीज और इंजरीज एक बार फिर से फिगर को बढ़ाया गया है मेरे ख्याल से, उसके बारे में अगर आप अपडेट देते तो। ये सही बात है प्रीति, इनफैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इंक्रीज हो चुकी है। कल 6 कहा जा रहा था कल रात तक, बट आज सुबह पता चलने में आया है कि 8 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे इंसिडेंट में, और उसके अलावा अराउंड 142 पर्संस आर एडमिटेड स्टिल एंड दे आर यू नो गिवन ट्रीटमेंट एट वेरियस हॉस्पिटल्स इन मुंबई अराउंड इन दिस एरिया इन अंधेरी। सो द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देर इज अ फायर दैट हैज टेकन प्लेस इन अ हॉस्पिटल। There were already patients there who were not able to, you know, evacuate themselves. And also at the same time, NOC was not given to the hospital. And that becomes an extremely critical point because when there is no NOC that has been granted, how is that the fire, that the hospital was allowed to be function? And there is no answer that the authorities are able to give. Remember, this is under the MIDC and the MIDC is under the state government. The MIDC has its own fire brigade. It doesn't come under the Mumbai fire brigade. It doesn't come under the BMC, and the MIDC has completely failed to address this issue.